हाय, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि दो बहुत कॉमन डिशेस खिचड़ी और दलिया को आप और भी ज्यादा हेल्दी सात्विक तरीके से कैसे बना सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं सात्विक खिचड़ी से। ये डिश बेस्ट है आपकी लंच मील के लिए। सात्विक खिचड़ी में अगर हम एक कप चावल यूज करते हैं तो उससे चार गुना ज्यादा सब्जी डालते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी अनाज को अकेले पचाना मुश्किल होता है, लेकिन जब हम उसको सब्जी के साथ मिला के खाते हैं तो बहुत जल्दी पच जाता है। तो कोशिश करें कि आप हमेशा अनाज कम और सब्जी ज्यादा से ज्यादा खाएं। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। सात्विक खिचड़ी बनाने के लिए आपको चाहिए ब्राउन राइस, 3 घंटे पानी में भिगोए हुए, पीने का पानी, बारीक कटी हुई ग्रीन बीन्स, चॉप्ड गाजर, कद्दूकस की हुई घिया, कद्दूकस की हुई पालक, चॉप्ड टमाटर, हल्दी पाउडर, छोटी हरी मिर्च बारीक कटी हुई, नारियल जिसको हमने मिक्सी में पीस लिया है, धनिया और सेंधा नमक। ये रेसिपी 3 जनों को सर्व करती है। सबसे पहले एक मिट्टी की हांडी लीजिए, उसमें भिगोए हुए ब्राउन चावल और 6 कप पानी डालिए। उसको धीमी आंच पर पकने दें करीब 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक चावल सॉफ्ट ना हो जाए। बीच बीच में हिलाते रहे। फिर ग्रीन बीन्स, गाजर, घिया और हल्दी को हांडी में डालें और 15 मिनट्स के लिए पकने दें, जब तक सब्जी और चावल सॉफ्ट ना हो जाए। चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं। फिर पालक और हरी मिर्च डालें और 5 मिनट और पकने दें। आखिर में चूल्हे को बंद कर दें और टमाटर, पिसा हुआ नारियल और सेंधा नमक डालें। याद रखें कि नारियल और टमाटर को हम हमेशा लास्ट में डालते हैं, कभी भी सीधा आंच पे नहीं पकाते, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पकाने से चले जाते हैं। चूल्हे को बंद करने के बाद हांडी को 5 मिनट तक ढककर रखें, ताकि अंदर सारे फ्लेवर्स एक साथ मिक्स हो जाए। फिर खिचड़ी को थोड़े धनिया पत्ती के साथ गार्निश कर हरी चटनी के साथ सर्व करें। हरी चटनी की रेसिपी आपको इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक में मिल जाएगी और आपकी वेजिटेबल पैक्ड टेस्टी सात्विक खिचड़ी सर्व करने के लिए तैयार है। इसको खाके ऐसा लगता ही नहीं कि हमने इसमें कोई ऑयल नहीं डाला, क्योंकि नारियल इसमें अपना खुद का ऑयल छोड़ देता है। चलिए अब अपनी दूसरी डिश पर आते हैं, सात्विक दलिया। ये रेसिपी भी लंच के लिए बेस्ट है। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए दलिया, पीने का पानी, बारीक कटी हुई ग्रीन बीन्स, चॉप्ड गाजर, मटर, जीरा सीड, बहुत बारीक कटी हुई मिर्च, धनिया और सेंधा नमक। ये रेसिपी 2 से 3 जनों को सर्व करती है। पहले एक हांडी में दलिये को मीडियम आंच पर रोस्ट कर लीजिए, जब तक दलिया लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। फिर उसको एक कटोरी में निकाल लीजिए। एक और हांडी लीजिए और उसको मीडियम आंच पे गरम कर लें। उसमें जीरा डालिए और रोस्ट कर लीजिए, जब तक वो ब्राउन हो जाए। फिर उसमें बीन्स, गाजर और मटर डालकर स्टर कर लीजिए। फिर हरी मिर्च डालकर और स्टर कर लें। फिर हांडी में 4 कप पानी डालें और उसमें उबाल आने दें। फिर उसमें अपना रोस्टेड दलिया डाल लें। हांडी को ढक लें और मीडियम आंच पर पकने दें, जब तक दलिया सारा पानी ना सोख ले। जब सब कुछ पक जाए, आंच को बंद कर दे और हांडी में नमक डालें और 5 मिनट तक ढका रहने दें, ताकि सारे फ्लेवर्स आपस में मिल जाए। कुकिंग के लिए बेस्ट होते हैं मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन में जो खाना पकता है वो धीरे धीरे पकता है और पोषण तत्वों को खाने में बनाए रखता है। दलिया को बहुत सारे धनिया के साथ गार्निश करें और हरी चटनी के साथ सर्व करें। ऐसी और हीलिंग रेसिपीज के लिए सात्विक फूड बुक को ऑनलाइन ऑर्डर करें। इस बुक में बताया गया है कि आप किसी भी बीमारी को सिर्फ अपना खाना बदलकर बिना दवाइयों से जड़ से कैसे ठीक कर सकते हैं। इसमें करीब 50 हीलिंग रेसिपीज दी हैं। इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे पुराने शास्त्रों पर आधारित है और जो रेसिपीज हैं वो आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए बनाई गई है। सो आई होप कि आप ये रेसिपीज अब से बनाना शुरू करेंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर रेसिपी का सात्विक वर्जन बनाना सीखना चाहते हैं तो हमें नीचे कॉमेंट्स में बताएं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, ताकि आपको हमारी फ्यूचर वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। अभी के लिए इतना ही, हम वापस फिर मिलेंगे।